नवनियुक्त प्रधानाध्यापकों, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के व्याख्यातों एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों अभियंत्रण महाविद्यालयों के सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति होती नियुक्ति हेतु नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के इस आयोजन में उपस्थित बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री वित्त वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग डॉक्टर चंद्रशेखर जी, माननीय मंत्री विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग श्री सुमित कुमार सिंह जी, यहाँ इस कार्यक्रम उपस्थित मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब आमिर सुभानी साहब, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग श्री दीपक कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, पटना विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति गिरीश कुमार चौधरी जी, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह जी, शिक्षा विभाग के सचिव श्री असंगवा चुबा आवो जी, सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, माध्यमिक शिक्षा के निदेशक श्री मनोज कुमार जी, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षक श्रीमती निशी कुमारी जी, श्री सौरभ सुमन जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी नवनियुक्त प्राध्यापकगण, व्याख्यातागण, सहायक प्राध्यापकगण, शिक्षा विभाग एवं विज्ञान प्राविधिक विभाग के सभी पदाधिकारी एवं कर्मीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आप सब लोगों को जिनको आज नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा मैं उनको बधाई देता हूँ और मुझे पूरी खुशी है कि वे अपने अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है आप सब लोगों पर। और आपको अभी तो बता दिया गया कि एक एक क्षेत्र के लिए कितने पदों का सृजन किया जा रहा है और यहाँ पर आज जो शिक्षा विभाग में जो कुछ भी किया गया है, अब ये सब तो खुशी की बात है, लेकिन अभी शिक्षा विभाग में जितना किया गया है आज तो आपको उसके लिए आपको दे दिया गया आपको आज तो उसको नियुक्ति पत्र। लेकिन इसके अलावे बड़े पैमाने पर और भी शिक्षकों की और अन्य पदों की बहाली होने वाली है, लेकिन आज माध्यमिक विद्यालय विभिन्न पंचायतों में नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक 369 और जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान एवं प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों के लिए व्याख्याता लेक्चरर 37 और पटना विश्वविद्यालय एवं मौलाना मदरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के लिए सहायक प्राध्यापक 17, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग से जुड़े हुए अभियंत्रण महाविद्यालयों के लिए सहायक प्राध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर 139। अब इनकी आज बहाली हो रही है तो सबको बधाई तो मैं दे ही रहा हूं और उम्मीद भी कर रहे हैं कि आप पूरा काम अपना करिएगा, लेकिन आप जानते हैं जैसा हमने कहा कि बड़े पैमाने पर नियुक्ति का काम किया जा रहा और हम लोगों ने तरह तरह की संस्थाओं का जो किया, अब सिर्फ जो है कि सरकारी नौकरियों के नियुक्ति के लिए जो बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग है उसके अलावे कितना हम लोगों ने करवाया। तकनीकी कर्मियों के चयन के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग, फिर आपको पुलिस के सब इंस्पेक्टर के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, सिपाही के लिए केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती, कॉलेज विश्वविद्यालय में शिक्षक नियुक्ति पत्र के लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग गठित किया गया है। यानी सभी जगह पर लोगों की नियुक्ति के लिए तो एक तो ये सब तो किया ही जा रहा आयोग का गठन और पद का भी सृजन बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। अब कितना ज्यादा कराया गया है, स्कूलों का कितना विकास हुआ है, पहले क्या स्थिति थी और कितना ज्यादा स्कूलों का विकास किया गया है, तो आप लोगों को तो मालूम होगा।
कि गत 17 वर्षों में 21,291 नए प्राथमिक विद्यालय खोले गए और 19,725 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय के रूप में उत्क्रमित किया गया। तो इस तरह से अनेक काम किए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा विद्यालय भवन भी बनाए गए और प्रारंभिक विद्यालयों में 2,79,801 वर्ग कक्षों का भी निर्माण किया गया। इस तरह से हर तरह से लोग बढ़े और आप जानते ही, अभी मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी आपको बता रहे थे कितना ज्यादा है सरकार का, कितना परसेंट है और कितना परसेंट हम लोग बढ़ाने वाले हैं। और आप सोच लीजिए कि 2022-23 में ही शिक्षा पर लगभग 51,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। अब आप सोच लीजिए 51,000 करोड़ रुपया शिक्षा के क्षेत्र में खर्च, अभी तो और इसको हम लोग बढ़ाना चाहते हैं। और टीचर की बहाली, अब कुछ लोग तो आजकल कुछ टीचर सबको बहुत पहले बहाल कराए हैं तो नाराज रहता है कि भाई उसका कम है, उसको पता ही नहीं है कि बहाली करवा दी गई पंचायत और नगर निकायों के माध्यम से, लेकिन उसके अलावे वो खूब ठीक से पढ़ावे, उनका पढ़ाते पढ़ाते और हम लोग और पढ़ाते चले जाएंगे, चिंता मत करिएगा, सबको पढ़ाते चले जाएंगे। इसलिए बच्चे बच्चियों को पढ़ाने में रुचि रखिए, ये सबसे बड़ी चीज है। आखिर शिक्षक का क्या काम है बताइए, स्कूल में कितना कम लड़कियां पढ़ पाती थी, 5वें क्लास तक की लड़कियां पढ़ पाती थी, और उसके आगे लोगों के घर में था नहीं कि अपनी लड़कियों के लिए कोई कपड़ा दे, अच्छा सा इंतजाम करे, भेजते नहीं थे, तो हम लोगों ने जो उनके पढ़ने का इंतजाम कर दिया, पोशाक योजना, साइकिल योजना, ये सब शुरू किया, कितना ज्यादा लड़कियों की संख्या बढ़ गई। तो अब जो लड़कियां अगर पढ़ेगी और बढ़ेगी लड़कियों की संख्या, तभी तो ये जो हम लोगों का प्रजनन दर है वो घटना शुरू हुआ। ये बिहार का तो जानते ही नहीं है भाई, ये जो बिहार का जो क्षेत्रफल है वो देश में 12वें नंबर पर है, लेकिन आबादी के हिसाब से 3रे नंबर पर है। अब जरा सोच लीजिए, और उसका कारण क्या था, अब प्रजनन दर 4.3, और जब हमने पूरे देश का आकलन लेकर के जानकारी प्राप्त की और बिहार का भी आकलन किया कि अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो पूरे देश का प्रजनन दर 2 था, और बिहार में भी अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो उस परिवार का भी प्रजनन दर 2, और पति पत्नी में अगर पत्नी इंटर पास है तो देश भर का उसका प्रजनन दर था 1.7, लेकिन बिहार में जो हम लोगों ने सर्वे कराया, अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तो उसका प्रजनन दर मिला 1.6। तो उसमें तो यूरेका की भावना है, कितनी बड़ी खुशी हुई हमको, और उसी के बाद हमने सोचा कि लड़कियां पढ़ेंगी और इसीलिए प्राथमिक विद्यालय तो हर पंचायत। तो एक एक तरह से जो सारा सब काम हाई स्कूल वगैरह का और उसको प्लस 2 तक पढ़ाने का ये सब काम, और उसके लिए टीचर्स की बहाली के लिए सब कुछ करके, और अभी हाल ही में हम लोगों ने कितना ज्यादा 7,000 करोड़ रुपया से भी ज्यादा अलॉट कर दिया है, और हम तो चाहते हैं कि जरा तेजी से बहाली करा दीजिए। तो अब आप सोच लीजिए कि अब जब आप जानते हैं अब प्रजनन दर कहां पहुंच गया, ये जो लड़कियों को पढ़ा रहे हैं तो प्रजनन दर अब जो 4.3 था अब वो घटते घटते पहुंच गया है 2.9 पर, और हमको तो 2 पर ले आना है बहुत तेजी से। अब बहुत लोग अब आजकल नहीं कह रहा है कि देश में एकदम बिल्कुल बना देना चाहिए, प्रतिबंध कर देना चाहिए कि कोई 2 से ज्यादा पैदा नहीं करेगा अपने परिवार में। अरे सब बात अनाप शनाप क्यों करते, इसका कोई मतलब है? अरे लड़कियां पढ़ी लेगी सब जगह, सब तरह की लड़कियां, गरीब गुरबा परिवार की सब पढ़ लेगी तो यही हालत होगा। तो हम लोग तो सबको पढ़ाने के लिए ना कर रहे हैं कोशिश, तो इन सब चीजों को करने से कोई फायदा है? तो इसीलिए हम लोगों को तो शिक्षा के क्षेत्र में और जितना ज्यादा काम, और इंजीनियरिंग का भी कितना, देखिए कितना काम हो रहा है, अभी मंत्री जी भी बोल रहे थे पूरे तौर पर इन्होंने बताया, तो जितना ज्यादा हम लोग बना रहे हैं और सब जगह लोगों की बहाली, और कितना पढ़ते थे
पहले तो मान लीजिए कि अब इंजीनियरिंग कॉलेज कितना कम था, हम तो आखिर पटने में इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। तो बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तो देश भर में जब 5-6 इंजीनियरिंग कॉलेज था तब का ही पटना का बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था, लेकिन बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज कम। तो हम लोगों ने तो ही सोचा ना, और आप जानते ही है कि हम बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को जब केंद्र में अटल जी की सरकार में हमको काम करने का मौका मिला तो हमने कहा कि भाई इसको भी हम इसमें पढ़े हैं, ये बहुत पुराना है, इसको भी आप नई की बनाइए, तैयार हो गया, अपन गया। आप सोच लीजिए एक एक तरह से चीज। और फिर IIT भी बनवाने के लिए जब उसमें कांग्रेस की सरकार आई, बाद में जब हम लोग यहां पर थे हमने जो अनुरोध किया तो उसके बाद यहां भी बन गया। तो आप समझ लीजिए कि एक एक काम करवा रहे हैं हर तरह से एक एक चीज, और उसी तरह से हेल्थ के सेक्टर में भी सब तरह। तो हर तरह से हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं कि लोग खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े, तो ये बहुत अच्छा होगा। और समाज को तो मतलब बिल्कुल समझ लीजिए आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए। हम लोग तो सबको चाहते हैं कि लोग मिलकर चले। और आप जानते हैं ना कि लड़की सब कितना कम पढ़ती थी, हम इंजीनियरिंग कॉलेज में थे एक लड़की नहीं पढ़ती, कितना खराब लगता था कि एक लड़की भी नहीं पढ़ती। और कॉलेज में अगर कोई महिला आती थी तो सब खड़ा होकर महिला को देखने लगे, ये स्थिति थी। प्रोफेसर सब भी देखने लगते थे। अब तो अभी हम जिनको बनवाए हैं यहां पर पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति है, तो बेचारा को भी मालूम है इसकी क्या बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का जो क्या हालत था। अब क्या है, अब कितना ज्यादा महिलाएं पढ़ रही हैं सब जगह। और उस समय जानते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज कम था, तो जब हम MP थे और बाहर, और जब मंत्री भी रहे और बाहर जब हम घूमते रहते थे तो देखते थे कि हमारे यहाँ के लड़के लोगों को इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था। जब बाहर हम जाते थे, जब हेल्थ का ये किसका एक काम देख रहे हम देख रहे थे, तो उसके बाद तो हम कई तरह से सब जगह देखे हैं। रेलवे का हम तो मंत्री थे तो हम देखते थे, तो सब जगह जाते थे तो लोग आकर के हमसे मिलने लगता था, कहता था कि हम बिहार से आए हैं यहाँ पढ़ने के लिए, जरा रेलवे का यहाँ पर स्टेशन में कुछ करवा दीजिए कि हमको आने जाने में सुविधा हो। तो बताइए कहाँ कहाँ जिस भी राज्य में जाते थे वहां देखते थे। तभी तो हम लोगों के मन में आया कि भाई हम लोगों को इतना ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनाना चाहिए ताकि किसी को बाहर जाने की जरूरत न पड़े, कोई जाना चाहे जाए, क्योंकि जो इच्छा हो कहीं जाए, लेकिन किसी को मजबूरी में नहीं जाना पड़े, इसलिए इतना सब हम लोग कर रहे हैं। तो हर एक क्षेत्र के विकास का भी काम किया जा रहा है हर तरह से। और हम तो भाई अब अगले महीने से भी, आज तो अंतिम दिन है 2022 का, और कल से 2000 आप सब लोगों को बधाई, मुख्यमंत्री जी ने भी बधाई दी, हम भी बधाई दे रहे हैं, लेकिन हम तो 5 से चलेंगे, एकाध महीना तो हम घूमेंगे, चक्कर लगाएंगे पूरा तौर पर, सब जगह जाकर के देखेंगे कि कहां कितना काम हुआ, कहां पर कोई कमी है, लोगों की शिकायत क्या है, समस्या क्या है, और कहां कहां पर क्या स्थिति है, सब कुछ जानने सुनने समझने और देखने के लिए जाएंगे। ये नहीं है कि हम कैसे ही जाकर के कहीं चले जाएंगे अब भाषण दे दे करके कि हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया, ये करने हम नहीं जा रहे, ये सब बहुत हो चुका है। अब हम इस बार एक बार फिर देखेंगे कि भाई जितना काम हुआ है इफेक्टिव है कि नहीं। और हम सबसे ज्यादा मेरी इच्छा है कि हर चीज को मेंटेन करेंगे, हर चीज को, कोई भी बिल्डिंग बन रहा है, स्कूल बन रहा है, कहीं भी कुछ बन रहा है, कॉलेज, हर चीज को मेंटेन करना है, सड़क को मेंटेन करना है, पुल को मेंटेन करना है, एक एक चीज को मेंटेन करना है। और सब जगह जो बिजली का काम दे दिया, हर घर हम लोगों ने जल उपलब्ध करा दिया, नल का जल दे दिया, सब कुछ किया, तो एक एक चीज से जो काम किया है सबको देखें, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, सबकी कहां जानेंगे भी हम, इन सब एक एक चीज को देखना चाहते हैं। और गरीब गुरबा तबके के लिए तो हम लोगों ने इतना काम किया है, तो ये भी जरा देखेंगे भाई कि जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए कहीं और क्या कमी है,
तो ये सब चीज भी देख करके और जो करना होगा उसको हम लोग करेंगे। तो भाई हम तो लोगों के बीच में जाते हैं, कोई काम करते हैं। अब आजकल जो केंद्र में सरकार है वो तो खाली प्रचार ही करती है ना, हर बार तो बता ही देते हैं। बेचारे मीडिया वाले भी लोग हम लोगों के मीटिंग में आते हैं, इतना जाते हैं, हम लोगों के साथ बतियाते हैं तो खुश रहते हैं, लेकिन इनका तो जरा सा छप जाता है और उसके बाद कोई छाप सकता है जी। एक तरफा दिल्ली का बिना मतलब का चीज छपते रहता है, कोई काम नहीं। अभी तो मुख्यमंत्री ने बता दिया कि क्या इनका वादा था, अब हुआ क्या? कहीं तो कुछ हुआ नहीं है, खाली प्रचार प्रसार। और आप सोच लीजिए जो आजादी की लड़ाई हुई, और क्या मतलब है जिनको आजादी की लड़ाई से लेना देना नहीं था, जिनके संगठन का आरएसएस का कोई योगदान रहा है, और उससे रिलेटेड लोग ये सब काम करें, कोई मतलब है क्या? आज जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी तो हम लोग तो सब भाई इसी सबसे बचपन से, हमारे पिता आजादी की लड़ाई में थे और उसी समय बचपन में जो जन्म तो हम लोगों का हुआ आजादी के बाद, लेकिन एक एक बात बताए थे, एक एक चीज को जाने, बाद में एक एक चीज को देख लिया, हर तरह से जाना। तो कभी जो बापू का योगदान है उसको हम लोग कभी भूल सकते हैं? आप जान लीजिए कुछ लोगों के, गुरु देख रहे थे ना मीटिंग में, राष्ट्रपिता तो ये वो कौन बोली, सुने ना थे अखबार में जो छपा कि अब राष्ट्रपिता छोड़ दीजिए, नए पिता कोई राष्ट्र के हो जाए। आप जरा सोच लीजिए, नए भारत के नए पिता क्या किए हैं भारत के लिए, कुछ काम किए हैं, कहां भारत आगे बढ़ा है, कौन सा काम हुआ है, सिवाय इसके कि नई टेक्नोलॉजी आ गई और उस नई टेक्नोलॉजी का पूरा जबरदस्ती रूप से उपयोग कर जो रहे हैं। और पहले तो मीडिया का हर दूसरा था, पक्ष विपक्ष जो भी हो अपना राय बहुत अच्छे ढंग से मीडिया के सारे लोग लिखते थे, आज को तो उनको वही लिखना पड़ता है जो कहा जाता है, वही लिखना पड़ता है, मजबूर है। तो हम क्या करें, उस दिन के लिए ऐसी बात है, बाद में जब सभी कुछ सही दिशा में चलेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और मीडिया का योगदान कितना बड़ा होता है, हम तो बचपन से ना देखे जी। हम आप लोगों को क्या बताएं, जब आठवां क्लास में हम पढ़ने लगे थे तब से हम अखबार पढ़ते थे, समझे ना, पढ़ना शुरू किए। और उसके बाद दिल्ली वाला आता था शाम में, हम पटना से घर जाते थे अपना, तो रोज रात में हम वही ट्रेन में जाते थे, बख्तियारपुर जाने में 2 घंटा लगता था, 1.5-2 घंटा। अब वही हम अंग्रेजी वाला अखबारवा स्टेशन पर लेकर के रास्ता भर पढ़ते जाते थे, कितना एक एक चीज का ज्ञान सब कुछ का। और हम लोग सबका आज क्या हो गया है भाई, आज तो चीजें विचित्र हो गया, आज तो कुछ ही चीजों का अनाप शनाप चलते रहता है। तो इसीलिए अब तो बात दूसरी है, लेकिन हम लोगों को उससे मतलब नहीं, तो लोगों के बीच में ज्यादा करके एक एक चीज को देख करके भाई हम लोग तो काम करते रहेंगे। हम सबसे आग्रह करेंगे, निजी तौर पर भी सारे पत्रकार मित्रों से भी आग्रह करेंगे, सब लोगों से, कि भाई सब जगह देखते रहिएगा, जो मन करे उसको छापते रहिए, उसमें हमको कोई एतराज नहीं, लेकिन हमको जरा बता दिया करिएगा कि यहाँ पर कुछ जरूरत है और यहाँ पर हो गया। अब बहुत लोग कितना प्रशंसा में भी बहुत बात कह देते हैं, लेकिन आजकल जो हालत है जान लीजिए। तो इसीलिए जो काम हो रहा, आप समझ लीजिए ना कि हम लोग कितना तेजी से एक काम कर रहे हैं, तो तरह तरह की बात लोग चला रहे। अब तो कितनी बात हम और आप लोगों को कहें, तो हर तरह से आज जो ये दोनों विभाग का जितना भी काम हुआ है बहुत अच्छी बात है, और सब लोग हम लोग इसी चीज का और जितना विस्तार करना होगा और करेंगे, और सब लोग पढ़े, और जितना ज्यादा यहाँ पर जो काम शुरू किया गया था, साइकिल योजना जो शुरू कराए थे यहाँ, आप सोच लीजिए, आपको पता है, अब आजकल तो सब भुला न गए जी, जब साइकिल योजना शुरू कराए बिहार में कहीं नहीं था, और लड़कियों के लिए हमने शुरू किया, और इसको देखने के लिए विदेश से लोग आए। तो जरा सा हम तो पत्रकार मित्रों से आग्रह करेंगे कि भाई 10-11 वाला बतवा भी
कम से कम अपना मीडिया पर तो डलवा दीजिए ताकि नई पीढ़ी के लोगों को एक एक चीज का मालूम होता रहेगा। कितनी खुशी हुई थी, नहीं तब तो भूला ये ना जाएगा, सब भूला जाएगा। तो जितना काम किया गया और उसको और आगे बढ़ाया, और लड़की लोगों की मांग हुई तो हमने उनके लिए भी कर दिया, और इस तरह से एक एक काम करके। और कैसा हुआ, शाम के बाद कोई टहलता था जी? आजकल अब देख न रहे हैं कि रात में भी कितना आदमी घूमता है, कहीं किसी को दिक्कत है? लॉ एंड ऑर्डर का भी पूरा का पूरा ख्याल हम लोग रखते हैं, और समाज में सबको अनुरोध करते थे आपस में झगड़ा मत करो। तो अब कितना कम झगड़ा हुआ, अब तो कुछ ही चीजों को लेकर के, कुछ आदमी तो गड़बड़ होता ही है, वो तो एक अलग बात। तो सब तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, और जो भी जरूरत है उसको हम सब लोग उस काम को करेंगे, और बिहार का विकास होगा। और बिहार तो सबसे पौराणिक जगह है, तो इसलिए बिहार का विकास होना बहुत जरूरी है। और कहां चिंता कर रहे हैं ऊपर वाले लोग, कोई चिंता कर रहे हैं? और जहां जहां कुछ कम्मा हम लोग करवा देते हैं वहीं पर जाते हैं कि भाई ये है, कोशिश करते हैं कि यहाँ हो। जैसे हम लोगों ने हर घर नल का जल देना शुरू किया तो वहां पर हो गया, आप फिर देने चाह रहे थे पैसा कि केंद्र सरकार का हो जाए कि हम ही करवाए। हमने कहा जरूरत नहीं है, हम राज्य सरकार में हर घर नल का जल दे रहे हैं, आपका पैसा नहीं लेंगे। लेकिन अब आजकल छपते रहता है तो उसमें होता है, जो उन्हीं का छपता है उसी में हो जाता है। तो बहुत लोग समझेगा कि बिहार में वही कर दिए, तो हम लोग कब से शुरू कर दिए थे, आई बनाए कब? हम तो शुरू कर दिए थे आपको मालूम है 16 से ही, अब लोग तो कानून बाद में बनाए। तो एक एक जीवा को जान लीजिए हम लोग कौन कौन काम नहीं कर रहे, और आगे भी करते रहेंगे लोगों के पढ़ाने के लिए और सब चीज के लिए। तो सब लोगों से ये आग्रह है कि आप सब लोग हैं, खूब अच्छे ढंग से लोगों को पढ़ाइएगा ताकि उसको और ज्ञान प्राप्त हो और वो आगे बढ़े और उसको भी काम करने का मौका मिले। ये बात आप सब लोगों से हमारी यही अपील, तो आप लोग करिएगा ना भाई, सबको बुलंदी से पढ़ाइएगा ना, हाथ उठा के बताइए जल्दी। ठीक है, तो जैसे हथवा उठा लिए और तुरते नीचे कर लिए ऐसा नहीं, पूरा बुलंदी से करिएगा, पूरी बस्ती से पूरा काम करिएगा, सब खूब आगे बढ़ाइएगा, तब राज्य भी आगे बढ़ेगा और आपकी इज्जत भी बहुत होगी। आप जान लीजिए जो पढ़ाता है समाज बहुत इज्जत करता है उसका, इसलिए बच्चे बच्चियों को पढ़ाइएगा, आप लोगों की इज्जत बहुत बढ़ेगी, बहुत प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और जो है आज जो मिल रहा है हम लोग आगे आपका तनख्वाह भी हम लोग बढ़वाते जाएंगे, ये सब चिंता मत करिएगा, काम खूब करिएगा। तो आप लोगों ने हाथ उठा करके वचन दे दिया तो बधाई। और फिर आज तो 22 का अंतिम दिन है, अब कल से 2023 शुरू हो रहा है, तो नए अवसर पर मैं पुनः अगले वर्ष के लिए आप सबको बधाई देता हूं और पूरी उम्मीद करता हूं कि एक साल में आप इतना अच्छा काम करिएगा कि बिहार और आगे बढ़ जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई, शुभकामनाएं, और अपनी बात मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।